यही बोलूंगी कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हाँ बहुत भीड़ है, यहाँ पे जगह ही नहीं है पैर रखने का। बहुत अच्छा लगा कि जिनका दिल से बयान ही नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा इनका सुन के। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हम लोग तीन दिन से हैं। तीन दिन से तो दो दिन तो कथा थे एडवांस में आया ना। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इस वाक्य का चरितार्थ करते हुए दिख रहे राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी के दही हंडी मैदान में चल रहे श्री शिव महापुराण कथा में, और कथावाचक है पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले। इसको सुनने के लिए देखने के लिए लोग बेहद ही उतावले हैं। पंडाल में जगह नहीं बसता और लोग सड़कों में बैठकर ना जाने कहां कहां बैठकर सुनने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन राजधानी रायपुर के हम इसी पंडाल पर उपस्थित है, कथा पंडाल पर उपस्थित है। ये पीछे आप व्यासपीठ देख रहे हैं, व्यासपीठ में प्रदीप मिश्रा जी यहीं से सत्संग करते हैं। पीछे हम तस्वीर दिखाएंगे, नज़ारा देखकर आप भी दंग रह जाएंगे क्योंकि ये रात्रि का समय है और रात्रि का दृश्य हम दिखाएंगे। रात के 12 बजने वाले हैं और मेरे सहयोगी राहुल से कहूँगा कि तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से लोग अभी से अपने बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। दूर दूर से लोग पहुँचे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगा वहाँ तक लोग आपको सोते हुए दिखेंगे। रात्रि का विश्राम चल रहा है और लोग यहीं रुके हुए हैं। पूरी व्यवस्था है, व्यवस्था के बारे में हम आपको कल बताएंगे, लेकिन रात की तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग व्यासपीठ का तस्वीर लेने के लिए, सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर उमड़े हुए हैं और कौन कहाँ कहाँ से पहुँचे हैं ये भी हम दिखाएंगे। भैया कहाँ से पहुँचे हैं? रायपुर पुरानी बस्ती से। पुरानी बस्ती कितने दिन हो गए? ये करीबन 2 दिन हो गया। क्या सोच के पहुँचे हैं? भाई धर्म स्थल है, ज्ञान है गुरु का, शिव महागुरु है, शिव से बड़ा कोई है ही नहीं। पूरा जगत उनका है, शिव जी का, इसलिए शिव का विवरण सुनने आए हैं। रात को भी? रात में दर्शन करने आए, दिन में तो आने नहीं मिलता, भीड़ बहुत रहता है ना, अंदर आ नहीं सकते, इसलिए रात में आए कि चलो भाई दर्शन कर ले। भीड़ है? हाँ बहुत भीड़ है, यहाँ पे जगह ही नहीं है पैर रखने का। दीदी उनसे बातचीत करते, बहुत भीड़ है बोल रही है। कहाँ से है दीदी? ग्वालियर से आए हैं। ग्वालियर से हैं जी। कथा सुनने के लिए ग्वालियर से? ऐसा क्या कथा? बहुत अच्छा लगता है कथा सुनकर, बहुत जागरूक किया इन लोगों ने। कब से आए आप? हाँ परसों, कल से आए हम, कल से आए। आज आपने, कल और आज आपने क्या क्या सुना थोड़ा से दर्शकों के? हमारे दर्शक देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो एक से चार बजे तक वो लोग सत्संग ही सुनते चैनल में। आप अपने दिल से बताइए कि क्या क्या सुना आपने। बहुत अच्छा लगा कि जिनका दिल से बयान ही नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा इनका सुन के प्रवचन। फिर भी कुछ कुछ परिवर्तन होगा, कुछ समझ आया होगा, जीवन में कुछ उतारने का सोचे होंगे। एक लोटा जल सारी समस्या का। एक ही डायलॉग काफी है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। सारी समस्या का हल। एक लाइन में एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आप एक लाइन में सब आ गया। एक ही चीज सीखे हैं, लोटा जल मतलब चढ़ाना नहीं भूलेंगे। ठीक है दादा, आप बड़े एकदम कंटो पंटो लगा पहुँचे। खान कमरी जी जी जी, जी, जी। वहीं का है। कब से पहुँचे? हम लोग तीन दिन से हैं। तीन दिन से तो दो दिन तो कथा थे तो एडवांस में आया ना। एक दिन अरे क्या दादा, पास आइए ना, पास आइए प्लीज, पास आइए, पास आइए। क्या क्या सुने दादा, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे ताकि भक्तों का भी, दर्शक देख रहे हैं उनका भी कल्याण हो। सुनना काम व्यवस्था में ज्यादा भीड़ है। व्यवस्था में लगे हैं? कौन सी व्यवस्था में? सब चीज बैठाने करना, सब चीज आप ही कर रहे हैं? हम ही नहीं कर रहे हैं भैया, ऐसा नहीं है, भोलेनाथ करवा रहे हैं। अरे यार उनकी कृपा है, ऊपर वाले कृपा है, भोले कृपा है, उनकी कृपा से आए हैं। दर्शकों को बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, आ जाओ एक लोटा जल, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आने के लिए बोलना नहीं पड़ता। मैं साली हूँ इनकी, साली उनकी। क्या कहेंगे? यही बोलूंगी कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। फिर से हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये रात का तस्वीर है।